नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे इवियन 400 कैप्सूल के बारे में, जो कि दोस्तों मर्क कंपनी का है और जो इसका MRP है दोस्तों 2700 रुपये हो चुका है। पहले इसका दोस्तों 2400 रुपये MRP था, अब बढ़ के कंपनी ने 2700 रुपये इसका MRP कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी पैकिंग है वो ग्रीन कलर है पूरा इसका दोस्तों, और ये दोस्तों ओरिजिनल कैप्सूल है जो आप किसी मेडिकल स्टोर से इसको बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो बेनिफिट है, जो पहला बेनिफिट है दोस्तों इसका, अगर आपने इसको बालों में यूज़ करना है तो दोस्तों एलोवेरा जेल लेना है आपने किसी भी कंपनी का, उसके 2 चम्मच लेने हैं आपने एलोवेरा जेल के, और साथ में इसके 2 कैप्सूल काट के कैंची के साथ आगे से आपने उसमें मिक्स कर लेने हैं, और आधे घंटे तक जो मिक्स किया हुआ है ऐसे रहने दें, उसके बाद रात को सोते हुए लगा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप इसको 1 हफ्ते तक इसका यूज़ करते हो तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने इसको वॉश करना है सुबह, अपने बालों को धोना है तो किसी आयुर्वेदिक शैम्पू से ही धो, ऐसे इसको ना धो किसी केमिकल वाले शैम्पू के साथ, तो उससे आपको बेनिफिट इसका और भी अच्छा देखने को मिलेगा। जो दोस्तों और दूसरा बेनिफिट है जो इसका, वो है दोस्तों स्किन के लिए। दोस्तों अगर आपने अपनी स्किन को गोरा करना है, ग्लोइंग करना है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, 2 चम्मच ग्लिसरीन को लेने हैं एक कटोरी में डाल के, और 2 कैप्सूल इसके इवियन 400 के डालने हैं। तो दोस्तों वो सेम वैसी, और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके अपने फेस पे या कहीं भी जो आपने कहीं लगाना है शरीर पे उसको लगा लीजिए, और दोस्तों सिर्फ 10 दिन तक रेगुलर यूज़ करने से आपको इसका बेनिफिट दिखने लग जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसको डायरेक्ट लेना चाहते हो, आपकी स्किन रूखी रूखी हो रही हो, स्किन में कोई दिक्कत हो रही हो, आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो दोस्तों। सुबह शाम 1 1 कैप्सूल लेना है आपने इसका, और डेली 10 दिन तक लगातार लो, आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों भाई के चैनल को, आपकी ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी देखने को। धन्यवाद दोस्तों।